चलिए खबरों की शुरुआत यहां पर बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की पैरोल के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार ने एसीबी से की है एलजी की शिकायत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओपी चौटाला की पैरोल के मसले पर यह शिकायत की गई है एलजी नजीब जंग की, जहां एसीबी को एलजी की शिकायत की गई है। और सीधे रुक कर रहे हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ललित, अब एलजी नजीब जंग की शिकायत की गई है एसीबी से। जी बिल्कुल, इस मामले में अब आम आदमी पार्टी भी इन्वॉल्व हो गई है सरकार के बाद, और अब उसने इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो एसीबी से कर दी है। लेकिन अपर्णा, मैं एक बात यहाँ पर ये बड़े गंभीरता के साथ उठाना चाहूँगा इस पॉइंट को, ये मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि ये वो शिकायत की कॉपी है जो एसीबी को भेजी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन अब तक इससे पहले भी कई सरकारों में और राज्यपाल उपराज्यपालों में विवाद अक्सर होता रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहा है कि जब कभी भी राज्यपाल के खिलाफ कोई सरकार शिकायत करती है या किसी भी तरह का उसको परेशानी होती है, तो वो इस मामले को लेकर सीधे राष्ट्रपति को शिकायत करती है, क्योंकि जो जो राज्यपाल होते हैं किसी भी राज्य में या उपराज्यपाल होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति का प्रतिनिधि माना जाता है राज्य में, और वो उसी अनुसार सरकार के साथ तालमेल करके काम करते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो आम आदमी पार्टी ने एसीबी से एलजी की शिकायत की है, क्या ये सही प्लेटफॉर्म है उस शिकायत के लिए? क्योंकि एलजी की शिकायत क्या एंटी करप्शन ब्रांच से करी भी जा सकती है या नहीं करी जा सकती है? क्योंकि कई बार जब उपराज्यपाल को महाभियोग के जरिए हटाना होता है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है, बड़ी प्रक्रिया होती है उपराज्यपाल को हटाने से लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की। लेकिन यहाँ पर जो एंटी करप्शन ब्रांच में जो एक तरह से शिकायत की गई है, क्या वो सही प्लेटफॉर्म है? एक बात यह है। दूसरी बात कि जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच में विवाद बीते लंबे समय से चल रहा है, और इस विवाद के ही रूप में इसको देखा जा रहा है कि अब जब आम आदमी पार्टी को एक मौका मिला तो उसने ओपी चौटाला की पेरोल को लेकर, तो यहाँ पर भी ये विवाद शुरू हो गया है, और ये विवाद निश्चित तौर पर स्वस्थ तो नहीं कहा जा सकता है लोकतंत्र के लिए। जी बिल्कुल, ये एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत नहीं कही जा सकती जिस तरह आपने कहा, और ये काफी हैरत करने वाला है कि पहले सरकार की ओर से इस मसले को उठाया गया, एलजी को लेकर बार बार शिकायतें की गई, और अब पार्टी भी इस पूरी जंग में कूद पड़ी है। किस तरह से अब नए ट्विस्ट एंड टर्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे? ललित, देखिए ट्विस्ट एंड टर्न तो जितने लगातार अभी आ रहे हैं कि पहले आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है, उसके बाद पार्टी की तरफ से बयानबाजी होती है, उसके बाद एलजी के ओएसडी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, और वो यहाँ तक कहते हैं कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि एक आरोप का जवाब देने के लिए दूसरे आरोप लगाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि अगर एलजी पर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के होम मिनिस्टर खुद यहाँ एक फाइल लेकर पहुँचे थे जिसमें वो आम आदमी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं उनके खिलाफ मुकदमे हटवाना चाहते थे। तो सवाल कई खड़े हो गए हैं, एक शिकायत के बाद अब कई तरह की शिकायतें पैदा हो गई हैं, और जो उंगली दिल्ली सरकार ने एलजी की तरफ उठाई थी उसमें अब एक उंगली उनकी तरफ भी आ रही है कि आखिर ऐसा क्या था कि दिल्ली सरकार ने जितने भी मुकदमे हैं उनके नेताओं से लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सबके एक साथ मुकदमे हटाने के लिए फाइल को साइन करवाना चाहते थे एलजी से। तो कई सारे सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं, और लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो कुछ भी ये हो रहा है ये बीते लंबे समय से चले आ रहे विवादों का ही एक अगला अध्याय है, और क्या ये अध्याय क्या किसी नतीजे पर निकलेगा ये भी एक सोचने वाली बात है। और दूसरा जो भी मैंने आपसे कहा कि एक सही सवाल खड़ा ये हो गया है कि क्या एलजी की शिकायत एसीबी से की जा सकती है, ये सही मंच है, इस पर भी आम आदमी पार्टी को जवाब देना होगा। जी बिल्कुल, इस तरह से ये आपने कहा कि अब क्या होगा, समाधान क्या निकलेगा, आने वाले वक्त में क्या होगा। अक्सर विरोधी इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी पर और सरकार दोनों पर निशाना साधते रहे हैं कि ना तो पार्टी ना सरकार, किसी को समाधान की चिंता नहीं होती, बस वो सुर्खियों में बने रहने के लिए एक नया विवाद खड़ा कर देते हैं कि ये दिक्कत है, ये परेशानी है, उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसका सोल्यूशन निकला भी है या नहीं निकला है, उसकी परवाह किसी को नहीं होती।
जी बिल्कुल अपर्णा, आज तक हम लोग अक्सर देखते आते थे कि राज्यपाल और सरकारों के बीच कई कई राज्यों में बड़े मधुर संबंध रहे हैं। हालांकि जो माना यह जाता है कि जब केंद्र सरकार बदलती है किसी भी देश में, तो वहां पर भारत जैसे देश में खासकर, तो वहां पर केंद्र सरकार अपनी विचारधारा वाले व्यक्ति को अगले राज्य का राज्यपाल बनाती है, लेकिन फिर भी कहीं पर ऐसा नहीं होता है कि उस पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ होता है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब LG जो उपराज्यपाल है, दिल्ली में उपराज्यपाल का सिस्टम है, बाकी राज्यों में राज्यपाल का सिस्टम होता है, तो उपराज्यपाल के जो उपराज्यपाल की गरिमा है, उस गरिमा को भी कई बार तार तार हुई है यहाँ पर। अब वो गलती आम आदमी पार्टी सरकार की रही हो या फिर खुद LG की रही हो, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन LG की गरिमा और एक सरकार की गरिमा जो कि जनता चुनती है जिन प्रतिनिधियों को, और उनके जरिए एक मुख्यमंत्री के जरिए जो एक सरकार बनती है, एक तरफ सरकार है और एक तरफ राज्यपाल है, तो इन दोनों पदों की जो गरिमा है उस पर काफ़ी कुठाराघात हुआ है। कुछ काफ़ी आहत हुई है, ये दोनों पद काफ़ी आहत हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से समाधान किसी भी विवाद का नहीं निकला है अब तक, कुछ मामले कोर्ट चले गए हैं, कुछ मामले ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन हमेशा एक बात हुई है कि दोनों पदों की गरिमा तार तार हुई है। अपर्णा जी बिल्कुल, तो काफी खींचाले इधर इस बीच देखने को मिली है। और इस वक्त जो दिल्ली की जो आवाम जनता है वो भी रह रहकर ये पूछती है कि आखिर दिल्ली में जो विकास कार्य रुके हुए हैं, जो समस्याएं हैं, उनका जवाब कौन देगा, जब सरकार और LG के बीच इस तरह का टकराव हर पल हर मौके पर देखने को मिलेगा। वहीं ललित, जो हमारे दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, उनके लिए हम चाहेंगे जरा बैकग्राउंड बताएं इस जो समस्या को उठाया गया है पूर्व CM OP चौटाला की पैरोल को लेकर, क्या ये मसला था, किस तरीके से विवाद शुरू हुआ था? देखिए अपर्णा, ये पूरा जो विवाद शुरू हुआ था ये OP चौटाला की पैरोल पर साइन करने को लेकर हुआ था। तो दिल्ली सरकार ने ये कहा कि LG दफ्तर की तरफ से दिल्ली सरकार पर एक सिफारिश की जा रही है कि इस फाइल को साइन किया जाए, और फिर सरकार ने यह आरोप लगाया कि इस फाइल को साइन कराने के लिए LG ऑफिस की तरफ से अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को उठा दिया। इसके बाद LG ऑफिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो कहते हैं कि वो ये कहते हैं, आम जो LG के OSD हैं, जब उस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से गलत हैं, जबकि जो आम आदमी पार्टी LG की गरिमा पर सवाल खड़े कर रही है, LG को दोषी बता रही है, खुद उस आम आदमी पार्टी के होम मिनिस्टर, BJP से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कई नेताओं के नामों की एक फाइल लेकर पहुंचते हैं LG के पास और कहते हैं कि आप इनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं दिल्ली में अलग अलग थानों में, उनको हटाने की परमिशन दीजिए। और सबसे बड़ी बात इसमें जो उनके OSD कहते हैं, वो कहते हैं कि जब दिल्ली के होम मिनिस्टर फाइल लेकर आए थे तो वो उसी दिन और उसी वक्त उस फाइल पर LG के साइन करवा कर ले जाना चाहते थे। तो सवाल अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या था कि दिल्ली सरकार इतनी जल्दबाजी, आखिर सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों थी? जी ललित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और एक बार फिर से टकराव यहाँ पर और तेज होता नजर आ रहा है, इस बार इस पूरी जंग में तो अब पार्टी कूद पड़ी है, पहले सरकार की तरफ से निशाना साधा गया और अब पार्टी ने ACB में शिकायत की है LG नजीब जंग की। बड़ा सवाल, क्या पार्टी को इसका अधिकार है या नहीं? और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।